हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जिसको अगर आप एक चुटकी भर भी खा लेंगे तो आपका मोटापा हो जाएगा बिल्कुल गायब, आपके पेट की चर्बी होने वाली है बिल्कुल खत्म। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आसान चीजें मैंने उसमें इस्तेमाल करी है जिसमें आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आप इसको रेगुलर खाएंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपका वेट बहुत जल्दी गिरने लगेगा, आपके इंचेस बहुत जल्दी लूज होने लगेंगे, तो आपके लिए वीडियो इतना ही फायदेमंद है। आपको लगता है कि आपकी ईशा पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, कुछ अच्छा ही लेकर आई होगी हमारे लिए सोचकर, क्योंकि आप एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, जानती हूँ मन नहीं करता बहुत एक्सरसाइज करने का, रेमेडीज डाइट प्लान सब ले चुके हैं, तो इसलिए मैं एक डिफरेंट सा चीज लेकर आई हूँ, डिफरेंट रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है आपके वेट लॉस के लिए। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो करना है बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलना, ताकि आपसे मेरा आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें क्या करना है। कोई भी डाइट प्लान, रेमेडी, एक्सरसाइज कब वर्क करती है आपको पता है, हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते आ रहे हैं, उस मिस्टेक को जानना बहुत जरूरी है, तभी वो मेरी भी बताई हुई रेमेडी तभी वर्क करेगी। क्या आप लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, या जब पानी पीते हैं तो गड़गड़ करके पी जाते हैं? आप लोग भी ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं तो आप कितनी भी रेमेडीज देख लीजिए, कितने बड़े डाइटिशियन के पास चले जाइए, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। वेट गेन करने के साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर पैदा कर लेंगे। आप जानते हैं कि ऐसा मैं आपको क्यों मना कर रही हूं? हम लोग 90% लोग जानते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना, जॉइंट प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम लोग फिर भी पीते हैं। उससे क्या होता है, जॉइंट्स में तो पेन होता ही होता है, साथ में ब्लॉटिंग, यानी हमारा वेट, हम थोड़ा खाएंगे वेट हमारा ज्यादा गेन होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा गिरने लगता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती, ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब भी एक तो खाना खाएं उसके 1.5 घंटे बाद पानी पिए, खाना खाने से 40 मिनट्स पहले पानी पिए, और साथ में जब भी पानी पीना है तो बैठ कर ही पानी पिए, असूल बना लें कि जब आपको पानी पीना है बैठ के पिए। इससे अगर आपने एक हफ्ता ही करना स्टार्ट कर दिया और आपके अगर जॉइंट्स, नी प्रॉब्लम है, पेन प्रॉब्लम है आपके, तो 25% ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी 25%। बाकी आपको उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या आप लोग चाहते हैं फ्यूचर में ना हो तो अभी से जो गलती कर चुके हैं इट्स ओके, अभी से बैठकर पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, और अब एक और चीज जानते हैं कि हमें गड़गड़ करके पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। गड़गड़ करके पानी पीने से हमारे ऑर्गन्स ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है, उन्हें पानी इंस्टेंट जाता है जिससे कि ब्लॉकेज हो जाती है, हम जो खाना खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हमें नहीं हो पाता। इसी वजह से हमें गड़गड़ करके पानी नहीं पीना, चाय की तरह सिप सिप करके पानी पीना है। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल गुनगुना हो, रूम टेम्परेचर वाला पी सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे हम चाय सिप सिप करके पीते हैं सेम आपको वैसे ही पीना है। आप जान लेते हैं कि हमें दिन के टाइम, मॉर्निंग के टाइम कैसे दूध और लस्सी किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें पीनी चाहिए। हमेशा हमें सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद हमें जूस पीना चाहिए। जब भी हम जूस, जो लोग रात को पीते हैं वो गलत पीते हैं, जूस जब भी आप पिए सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद पिए, आधे घंटे बाद लिक्विड चीज लें या 1 घंटे बाद लें तो आपका बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आएगा। साथ में लस्सी अगर आप पीना चाहते हैं या आप छाछ पीना चाहते हैं तो आपको दोपहर के खाने के बाद लेना चाहिए, उससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन खाने के साथ नहीं, खाना खाने के 1 घंटे बाद। अब बारी आती है डिनर की। डिनर के अगर आप चाहते हैं डिनर के बाद हमें क्या लिक्विड लेना चाहिए जो हमारे बेनिफिशियल है, 1 घंटे बाद सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध या प्लेन दूध पीकर सोएं तो आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रहेगी, आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो आपको पुराने से पुराने दर्द या जितना भी पूरे दिन का स्ट्रेस है, थकान है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल फ्रेश अप हो जाएगी। अब बारी आती है रेमेडी की, कि वो रेमेडी बनाना कैसे है, खाना कैसे है, जिसको दोनों करना चीजें बहुत आसान है। हमें इसमें 3 चीजों की जरूरत है, पहला अलसी, दूसरा जीरा, तीसरा अजवाइन। जी हाँ, 3 चीजें हमें इस्तेमाल में लेकर आनी है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अजवाइन में, अजवाइन हमारा डाइजेशन अच्छा करती है, ब्लॉटिंग यानी जो लोग कम खाते हैं उनका बॉडी बहुत फूली हुई होती है उसको कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारी कम करती है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग जैसा फील होता है उसको कम करती है, सिकनेस जो होती है खाना नहीं खाने के बाद या खाना खाने के बाद वॉमिट जैसा फील होता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए तो डाइजेशन को बढ़ाती है, हमारे किडनी लिवर के सारे वेस्ट टॉक्सिंस को रिमूव करती है। साथ में अब इसमें इस्तेमाल किया है मैंने जीरे का, जीरा हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। इन तीनों को हमने लेना कैसे है, 3 चम्मच लेने हैं हमने अलसी के बीज के, अलसी के बीज को हमें तवे पर थोड़ा भून लेना है या कढ़ाई में ताकि उसमें जो ऑयल है वो सोक हो जाए और वो हल्के से स्लाइटली रोस्टेड हो जाए, हमें 4 मिनट तक उसको भून लेना है। भूनने के बाद 3 चम्मच अलसी के बीज के, 2 चम्मच जीरे के और 2 चम्मच अजवाइन के,
हमें इसको मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म बना लेना है। अब जान लेते हैं इसको हमें लेना कैसे है। हमें लेना है 1 चम्मच सुबह खाली पेट, नॉर्मल आप उठे फ्रेशअप हुए, 1 चम्मच आपको लेना है गुनगुने पानी से। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना और पीना है। अगर आप ये मेरा प्रोसेस आज से फॉलो करते हैं तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 10 डेज में आपका 10 kg यानी 1 kg 1 डे में लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में क्या करना है अगर आप अपना वेट और ज्यादा गिराना चाहते हैं, अगर आप अपने सेटिस्फाई नहीं है कि आपको 1 चम्मच नहीं ज्यादा, आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है, बॉडी ज्यादा फूली हुई है आपकी, ज्यादा वेट है, तो आपको 2 चम्मच कर देने हैं। 2 चम्मच कब लेना है? रात के खाना खाने से पहले। जी हाँ, रात को खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले आप 1 चम्मच गुनगुने पानी से ले लीजिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसके साथ प्रिकॉशंस क्या करने हैं हमें। अगर आप ये रेमेडी मेरा आज से पी रहे हैं तो 1 महीने के लिए पी रहे हैं, तो 1 महीने के लिए आपको फास्ट फूड बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। अगर आपने सिंगल डे भी फास्ट फूड खाया तो आपको ये रेमेडी इफेक्ट नहीं करेगा। फास्ट फूड नहीं खाना, फ्राइड फूड आपने नहीं खाना, ऑयली चीजें आपको बाहर की तली भुनी बिल्कुल नहीं खानी, साथ में मीठा आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आप 1 महीने में इतना ज्यादा वेट लॉस करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया था, ये मेरी गारंटी है। ये रेमेडी पे मुझे पूरा ट्रस्ट है क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। तो मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर करी तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत लोगों का कंप्लेंट आता है वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगा कि ठीक है अब सब चीजें शेयर करी, अब ऐसी एक चीज शेयर करिए जो मैं खुद भी साथ में लेती आ रही हूँ, जो मैंने बीच में लेना स्टार्ट किया था जो मेरा वेट गेन हो गया था, तो मैं आपसे वो चीजें शेयर करूँ। एक चीज का और ध्यान रखेगा कि जब अलसी के बीज होते हैं वो गर्म होते हैं, उनकी तेसीर गर्म होती है, तो पूरा दिन हमें पानी की रेशो बहुत ज्यादा लेनी है। पानी जितना हम इनटेक करेंगे उतनी हमारी बॉडी की हीट बाहर आ जाती है, वेस्ट टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा। आप खुद देखेंगे आपकी वेस्ट लाइन कम होती जा रही है, वेट कम होता जा रहा है, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो गई है, आपका स्ट्रेंथ हो गई है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा खाएंगे फट से डाइजेस्ट हो जाया करेगा, खाने से जो बेनिफिट मिलने वो आपको मिल जाया करेंगे और वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और आप हैप्पी हैप्पी और स्माइल करेंगे। आई विश कि आप ईशा की इस रेमेडी को बहुत सारा थम्स अप करें, बहुत सारा लाइक करें, हमेशा अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार दीजिए, इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूं। ऐसी ही रेमेडी अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, जानती हूं लंबा है, आप लोगों से क्या प्रॉब्लम रहता है, आप लोग मुझे बोलते हो वीडियो तुम लेंदी बनाती हो, बहुत बोलती हो, लेकिन अगर मैं आपको किसी भी चीज के फायदे नुकसान नहीं गिनाऊं और डायरेक्ट रेमेडी बता दूं, मैं ऐसा वीडियो फ्यूचर में कभी नहीं बना सकती। मैं आपको उसके साइड इफेक्ट, उसको कैसे लेना है, उसको पूरा ब्रीफिंग करके हमेशा बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।